नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। एनालिसन ऑफ कास्ट और गुलामगिरी दो ऐसी ऐतिहासिक किताबें हैं जो बहुजन समाज को पढ़ना चाहिए, लेकिन सोचिए उसके बाद भारत में कास्ट को लेकर चर्चा नहीं की गई, गुपचुप तरीके से चर्चा की गई। दुनिया के दूसरे देश में कास्ट को लेकर किताब आती है। ओफ्रा विनफ्रे जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, एंकर हैं, वो उस किताब को 100 अमेरिका के सीईओ को भेजती हैं। भारत में उसको लेकर दिलीप मंडल एक बहस छेड़ते हैं और उसके बाद जो होता है वो सब कुछ अविश्वसनीय सा होता है। कंगना रनौत का नाम सुना होगा आपने, वो रिजर्वेशन और जाति को लेकर बैक टू बैक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने लगती हैं और उसके बाद ये साफ हो जाता है कि आप क्रिकेटर हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, किसी भी पद पर आप चले जाएं, किसी भी मुकाम पर चले जाएं, लेकिन जाति आपकी जाति नहीं है। इसी पर बात करेंगे। मंडल साहब मेरे साथ खुद जुड़े हैं। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। क्या लग रहा है कि ये कंगना रनौत का गुस्सा क्यों भड़का? क्योंकि ओफ्रा विनफ्रे और दिलीप मंडल उस किताब के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू जी, आपने मुझे अवसर दिया कि इस विषय पर मैं आपसे बात करूं, और नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। देखिए शंभू जी, ये जो पूरा मामला है ये देखिए बहुत सिंपल सा एक ट्वीट से शुरू हुआ और उस ट्वीट में सिर्फ ये कहा गया था कि एक किताब आई है, ओफ्रा विनफ्रे ने उसको 100 सीईओज को और 400 ग्लोबल लीडर को भेजा है और भारत में इसकी चर्चा नहीं हो रही। इतना सा ट्वीट में था, ट्वीट में इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जाने क्यों, बल्कि हम लोग जानते हैं क्यों, कि कंगना रनौत को गुस्सा आ गया। अब सवाल उठता है कि कंगना रनौत को गुस्सा क्यों आता है? जैसे एक फिल्म है ना कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वैसे ही सवाल उठता है कि कंगना रनौत को गुस्सा क्यों आता है। अब कंगना रनौत ने जाहिर है कि वो किताब नहीं पढ़ी है, उनको नहीं मालूम कि उस किताब में क्या लिखा है, किस बारे में चर्चा है, क्योंकि वो खुद जो उनके उनको पढ़ाई का स्तर है, या बल्कि पढ़ाई का स्तर से बात नहीं बनती, बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत ज्ञानी है। आप कबीर का उदाहरण लीजिए, लेकिन कंगना रनौत का जो ज्ञान का दायरा है उसके बारे में हम लोग मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसके तुरंत बाद एक के बाद एक बहुत सारे ट्वीट्स किए और उस सारे ट्वीट्स रिजर्वेशन के खिलाफ किए, जबकि उस ट्वीट में जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर रही थी उसमें रिजर्वेशन शब्द का जिक्र भी नहीं था। वो सिंपल सा कहा गया कि अमेरिका में चर्चा है, भारत में चर्चा नहीं है। अब इसाबेल विल्किंसन ने जो किताब लिखी द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकंटेंट, ये किताब रिजर्वेशन पर बात नहीं करती। रिजर्वेशन की इसमें चर्चा है लेकिन रिजर्वेशन बात नहीं करती है। लेकिन कंगना रनौत ने रिजर्वेशन का मतलब ये लगाया कि रिजर्वेशन कास्ट का मतलब ये लगाया कि कास्ट की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन की बात हो रही है और रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, रिजर्वेशन को मजबूत करने की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने अपर कास्ट जो ज्ञान का क्षेत्र है, जिसको अपर कास्ट इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो जहां से उनको ज्ञान मिलता है अपने आसपास से, और आमतौर पर इस तरह की बातें आप देखिए 8-10 साल की उम्र तक, आमतौर पर 12-14 साल तक तो हर हाल में रूढ़ हो जाती हैं कि समाज वगैरह के बारे में किस तरह सोचना है। इसलिए आप देखिएगा कि जो मिड डे मील में 7-8 साल के बच्चे जाकर दलित अगर महिला ने खाना बनाया तो खाना फेंक देते हैं, तो ये कितनी बचपन की ट्रेनिंग है। जब ये समझा दिया जाता है कि इनके हाथ का बना हुआ खाना खाना है, ये छूत हैं, ये अछूत हैं, इनके इन्होंने अगर खाना छू दिया तो ये नहीं खा सकते हैं। तो 7-8 साल के भारत में सवर्ण बच्चों को घरों में ये सिखा दिया जाता है कि जाति नाम की एक चीज है, आप श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग आपसे नीच हैं, ये सारी ट्रेनिंग बचपन में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि कंगना रनौत की बचपन की ट्रेनिंग है कि जाति का मतलब जो है वो आरक्षण है, और उनका जो उन्होंने उनके सारे ट्वीट्स को अगर आप समराइज करें तो ट्वीट में क्या क्या कह रही हैं, वो ट्वीट कह रही हैं कि भारत में 5-6 बातें वो कह रही हैं मुख्य रूप से। कंगना रनौत ही नहीं, भारत में सवर्ण परिवारों में आम तौर पर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जो रिजर्वेशन है वो क्या है और कैसे रिजर्वेशन का विरोध करना है। अब कंगना रनौत के आप 7 या 8 या जो ट्वीट्स हैं आप सबको एक जगह पर रख के आप देखेंगे तो कंगना रनौत क्या क्या कह रही है। कंगना रनौत कह रही है कि आधुनिक भारत में जाति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि छोटे शहरों में भी जातिवाद खत्म हो चुका है। तीसरी बात वो कह रही हैं कि जो जातिवाद है वो संवैधानिक आरक्षण की वजह से, वहीं पर सिर्फ जातिवाद है। चौथी बात वो कह रही हैं कि इसकी वजह से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो योग्य लोग हैं उनकी योग्यता का भारत में इस्तेमाल नहीं हो रहा और उनकी योग्यता का इस्तेमाल अमेरिका में हो रहा है।
इसके अलावा वो कहती हैं कि मैं एक जमींदार परिवार से हूँ और मेरे परिवार में ने जमीने उनकी बेहिसाब जमीनें हैं वगैरह वगैरह, और हमारे भाई बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाई है, जॉबलेस हैं। तो ये टोटल आर्गुमेंट्स वो बिल्ट कर रही हैं एक तरह से, जो फिर वो कह रही हैं आगे चलकर कि जो अमीर दलित हैं वो आरक्षण ले लेते हैं। तो ये जो सारी बातें अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी बातें लगभग सारे सवर्ण बच्चे से बूढ़े तक कहते हैं। यही यही तर्कशास्त्र है, यही उनका उनका ज्ञान शास्त्र है, यही उनकी एपिस्टेमोलॉजी है। तो इसी ज्ञान शास्त्र से, और ये ज्ञान चूंकि बचपन से मिलता है, यही स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड है, तो इसकी वजह से जैसे ही उनको जाति दिखा वैसे ही उनको आरक्षण दिख गया। उनको जाति की पीड़ा नहीं दिखी, जाति का हॉरर नहीं दिखा, उनको अपर कास्ट की हेजमनी और वर्चस्व नहीं दिखा, उनको ये नहीं दिखा कि न्यायालय में किस तरह से मीडिया में, किस तरह से कॉर्पोरेट रूम में, बल्कि किस तरह से फिल्मों में सवर्णों का किस हद तक वर्चस्व है, लगभग 10-12% आबादी किस तरह से भारत में 80-90% पदों पर मौजूद हैं, ये पीड़ा नहीं दिखती है। उनको दलित उत्पीड़न नहीं दिखता है, दलितों के साथ अत्याचार नहीं दिखता है, ओबीसी का मार्जिनलाइजेशन नहीं दिखता है, ओबीसी किस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस से बाहर है ये नहीं दिखता है। उनको क्या दिखता है, जाति दिखते ही उनको आरक्षण दिख जाता है। तो ये टोटल मेरे ख्याल से ये कुल उनकी समस्या है। ये आपने कह दिया कि जो जो अपब्रिंगिंग है इस देश में जाति की वजह से वो अपने हिसाब से सोचता है। मेरा वही सवाल है, इस देश में अपब्रिंगिंग हमारी आपकी भी जाति की वजह से हुई है। हम आप रिजर्वेशन के बारे में कास्ट डिस्कोर्स के लेकर जेफरलेट फ्रांस में बैठ के आर्टिकल लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, दिलीप मंडल इस चर्चा को मैं पिछले 12 साल से आपको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप दिलीप मंडल लिखते हैं। बाकी जो गैर सवर्ण समाज है, जो कलेक्टर है, आईएएस है, पढ़ा लिखा भी है, वो क्यों नहीं समझ पाता इस कास्ट इक्वेशन को, और वो इसके खिलाफ बात क्यों नहीं करता है, जब सारे के सारे सवर्ण समाज कास्ट इक्वेशन के खेल को समझते हैं और उसके खिलाफ बात करते हैं। इवन की नॉन मैट्रिक सवर्ण समाज के लोग, अब तो खैर वो रिजर्वेशन में भी आ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर आरक्षण होता तो मैं कलेक्टर बनता, जबकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो ये क्या डिफरेंस है, लोग डर से जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं होती है, घर परिवार में कुछ दिलीप मंडल जैसे लोग ही, चुनिंदा लोग ही क्यों बोल पाते हैं, उसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न को मैं दो हिस्से में बांटता हूँ। तो एक तो कि सवर्णों को जाति की समस्या क्यों नहीं दिखती है, और दूसरा कि आरक्षण के खिलाफ है वो मुझे पता है, वो जो पीड़ित पक्ष है वो दिलीप मंडल या जेफरलेट की तरह क्यों नहीं सोचता है, दूसरा है कोई किताब क्यों नहीं लिख पाता है, वो बोलता क्यों नहीं, जैसे दिलीप मंडल लगातार बोलते हैं, लगातार देश भर में सोशल मीडिया पर, वो कास्ट का डिस्कोर्स जो बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी का जो पढ़ा लिखा तबका है वो क्यों नहीं समझ पाता है? जी, मैं आपके सवाल को समझ पा रहा हूं। तो आप जो पूछ रहे हैं उसका मेरे पास ये जवाब है कि देखिए, जाति पर बेहिसाब लोगों ने लिखा है। अगर आप वेस्टर्न स्कॉलर्स को देखेंगे तो उसमें आपको लुई दुमो मिल जाएंगे, जेफरले मिल जाएंगे, गेल ऑम्बेट मिल जाएंगे, आपको निकोलस डर्क मिल जाएंगे, बाइली मिलेंगे, सेनार्ट मिलेंगे, मतलब होल रेंज ऑफ ऑथर्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कि जाति की समस्या पर लिखी, और लेटेस्ट इसमें इजाबेल विल्किंसन है जो 2020 में अपनी किताब लिखती है। भारत में भी जाति पर लिखने वाले काफी लोग हैं, आपको GS भूरिया से लेकर MN श्रीनिवास, और उसके बाद आपको इंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह, आपको सतीश देश पांडे, योगेंद्र यादव, एक लंबी लिस्ट आपको लगभग 1000 लोगों की लिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि जाति के प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये लंबी लिस्ट है, इस तरह के लोग तो बेहिसाब हैं जिन्होंने जाति पर लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि इस जाति के प्रश्न पर क्या भारत में ओबीसी या दलित लोकेशन से बातचीत हुई है? तो मुझे लगता है कि इस पर बात हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कबीर के समय से देखिए, फिर आपको रैदास देखिए, चोखा मेला देखिए, उनके बाद आपको आगे आते हुए आप ज्योतिबा फुले देखिए, साहूजी महाराज देखिए, उसके और आगे आएंगे तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर, फिर पेरियार, उसके बाद आपको आते आते बीपी मंडल अपनी इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखते हैं, इस बीच में रामस्वरूप वर्मा का आपको लेखन मिल जाएगा। तो लेख ऐसा नहीं है कि इसको शुद्र या अति शुद्र लोकेशन से जाति को देखने की कोशिश नहीं हुई। था सर, मेरा सवाल यह था कि कंगना रनौत जिस पोजीशन पे है, जिस फील्ड में है, जितनी अमीर है वो, जितनी पावरफुल है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पावरफुल लोग हैं वो तो समझ रहे हैं, दिलीप मंडल समझ रहे, लेकिन जो मासेज है, जैसे आपने कहा ना कि सवर्ण समाज का मासेज जो है वो वही सारा आर्गुमेंट देता है जो कंगना ने दिया,
तो गैर सवर्ण का जो मासेज है वो आर्गुमेंटेटिव क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? नहीं देखिए, आर्गुमेंट जो है वो डिस्कोर्स सेट करता है, और डिस्कोर्स का जो दायरा है किस बारे में बात होनी है और किस तरह से बात होनी है, ये अगर शेड्यूल्ड कास्ट या ओबीसी और एसटी को लोग ही सेट कर रहे होते कि किस बारे में मीडिया से लेकर किताबों में और टेक्स्ट बुक से लेकर गाइड बुक में और सब जगह या फिल्मों में किस तरह से कास्ट को देखना है, ये अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग तय कर रहे थे तब तो कोई समस्या ही नहीं होती। देखिए मैं जिसे बता रहा हूँ कि ये अगर बुक है, आप दोनों तरफ में लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे तो आपको जो दिखेगा, ऊपर से अगर कोई देख रहा है तो आपको ये दिखेगा, और वही अगर नीचे से कोई आदमी देख रहा है तो वो यहां से दिखेगा। अब ऊपर से जो देख रहा है जो आदमी, वो वर्चस्व उसका है, वो कंट्रोल कर रहा है कि इस किताब को किस तरह से, इस कॉपी को किस तरह से देखा जाए। तो ये अगर यहां से सेट हुआ, यहां से टेक्स्ट बुक सेट हो रही है, यहां से फिल्मों का, गानों का, एडवर्टीजमेंट का, इसमें जिस तरह से कास्ट, कलर, हेजमनी, वर्चस्व, ये सारी चीजों को अगर यहां से सेट हो रहा है, तो यहां का आदमी इस उस पूरे पूरे पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाएगा। जब वो पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो है तब तो वो नीचे से देख लेगा कि यहाँ क्या है। तो ये जो इजाबेल विल्कर्सन की किताब है, ये दरअसल पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो है। अब क्या हो रहा था अभी तक कि जाति का प्रश्न को जीएस घुरिए देख रहे हैं, तो जीएस घुरिए क्या देख रहे हैं कि मॉडर्निटी के साथ कास्ट का क्या होगा, और कास्ट जो है वो वेदों से आई है, वेदों में पुरुष सूक्त है, उसमें ब्रह्मा के मुंह से कोई निकला है, इस तरह का विभाजन है, और कर्म का विभाजन घुरिए देख रहे हैं। एम एन श्रीनिवास क्या देख रहे हैं, एम एन श्रीनिवास देख रहे हैं कि ये इसमें कोई डोमिनेंट कास्ट भी होता है, जो कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, या इनका संस्कृताइजेशन हो रहा है कि हर जाति अपने से ऊपर की जाति पर बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसको आंद्रे बेते देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी वजह से जाति मजबूत है। निकोलस डर्क देख रहे हैं कि भाई ये कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन जब यहां से देखते हैं प्रोफेसर विवेक कुमार देख रहे हैं तो उनको जाति एक समस्या के रूप में दिखती है, फुले देखते हैं तो उनको जाति समस्या के रूप में दिख रही है, अंबेडकर देख रहे हैं तो जाति समस्या। मेरा वही सवाल है सर कि पूरी दुनिया में रंग को लेकर, लिंग को लेकर भेदभाव रहा है, महिला अधिकार को लेकर और रंग को लेकर, अब्राहम लिंकन से लेकर तमाम अश्वेत समाज में लड़ाई लड़ी है। भारत में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा सवर्ण है वो उतना महीन जातिवाद करता है, चाहे वो क्रिकेटर हो जाए, फिल्म मेकर हो जाए, एक्ट्रेस हो जाए, इसकी क्या वजह देखते हैं? किसी किसी कोने पर जाके तो आप में मानवीय संवेदना, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये पनपना चाहिए, इसकी क्या वजह देख रहे हैं? ये मतलब आपने, मुझे लगता है कि अब आप पूरे डिस्कोर्स को वहां पर ले जा रहे हैं जहां इसको जाना चाहिए था। तो जाति जो है वो एक बहुत दिलचस्प किस्म का एक सिस्टम है। अब इजाबेल विल्कर्सन की किताब से ही चूंकि सारी चर्चा शुरू हुई तो उन्हीं का दिया हुआ एक उदाहरण देखता हूँ। इजाबेल विल्कर्सन बोल रही हैं कि जो समाज है वो एक इमारत है, मान लीजिए, समझ लीजिए वो इमारत बाहर से देखने में ठीक ठाक सुंदर सी, अच्छा रंग रोगन डाला हुआ है, लेकिन इस इमारत में क्या क्या दिक्कतें हैं इसको जांच करने के लिए कुछ एक्सपर्ट बुलाए गए। उन्होंने जब इंफ्रारेड कैमरों से जांच करने की कोशिश की कि इस इमारत के नींव में क्या गड़बड़ी है, छत में क्या गड़बड़ी है, दीवार में क्या गड़बड़ी है, तो बहुत सारे क्रैक्स और बहुत सारे होल्स उनको नजर आए। ये नजर आने के बाद ये समझ में आ गया कि ये घर अब रहने लायक नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है, या कोई भी दुर्घटना हो सकती है, ये घर आपको पीड़ा देगा। जब ये घर वालों कहा जाता है तो घर वाले कहते हैं भाई ये घर तो मैंने बनाया नहीं है, और इस घर को बनाने में हमारा चूंकि कोई योगदान नहीं है तो मैं क्या करूं, घर दिक्कत है तो है, लेकिन इजाबेल विल्कर्सन कहती है लेकिन इसमें तो आपको रहना है। तो भारत में भी यही कहा जाता है भाई जाति सवर्ण क्या कहता है कि जाति तो मैंने बनाई नहीं है, हमारे बाप ने तो किसी का रेप किया नहीं है, और मैं तो जाकर किसी का हक छीन नहीं लेता हूं, तो इसमें समस्या क्या है? तो ये जो उनके उनके अंदर एक एक कोड की तरह, एक एक तंत्र की तरह दिमाग में आता है कि ये हमको प्रैक्टिस करना है, ये ऊपर है, ये नीचे है, हमको इससे ऐसे व्यवहार करना है, ये छूत है, ये अछूत है, इसके हाथ का लिया और देना है, अपनी जात का आदमी है तो इसको खींच के मुझे कहीं पहुंचा देना है, दूसरे की जात का आदमी है तो नीचे दबा देना है, ये कोड्स हैं, ये वर्किंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर में धीरे धीरे वो इनवाइब बचपन से कर दिया जाता है। और इजाबेल विल्कर्सन बता रहे हैं कि भाई जाति के क्या, मैं आपको अगर आप आपका समय है तो मैं आपको एक संक्षेप में आपको बताऊं कि इजाबेल विल्कर्सन की किताब क्या बोलती है, क्यों इसको लेकर इतना नाराज है लोग। नाराजगी दो तरीके से भारत में जताई जा रही है, एक नाराजगी वो है जो कंगना रानौत जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जता रहे हैं और गुस्सा जता दे रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं। दूसरे जो महीन लोग हैं जिसके बारे में आपने कहा, बहुत अच्छा शब्द है महीन लोग, महीन लोग क्या कर रहे हैं, वो इजाबेल विल्कर्सन की किताब पे बात ही नहीं करना चाहते हैं।
मतलब है ये मैं देखूंगा ही नहीं, मतलब ये साइलेंसिंग का जो स्ट्रेटजी है ना, ये ज्यादा सातिर लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, कि मैं इजाबेल विल्कर्सन की किताब का विरोध भी नहीं करूंगा, समर्थन की तो बात ही छोड़िए, मैं उसको देखूंगा ही नहीं ताकि भारत में इसकी चर्चा न हो। कंट्रोल है उनका मीडिया पे, सारे अखबारों से लेकर पत्रिकाओं से लेकर चैनलों पर, वो अगर इस किताब की बात नहीं करेंगे तो यहाँ जो ढेर सारे लोग हैं इनको कोई पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई किताब है। तो साइलेंसिंग केस से इस किताब को मारने की कोशिश हो रही है कि इस किताब पर बात नहीं करनी, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस किताब पर बात हो, क्योंकि इस पर बात नहीं हो रही है। अब इजाबेल विल्कर्सन की किताब क्या है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर आपको एक संक्षेप में एक ब्रीफ में देता हूं कि किताब क्या क्या है, इसको लेकर इतनी नाराजगी क्यों है जो आमतौर पर चुप्पी से जताई जा रही है। क्या है बताइए ना, थोड़ा सा बताइए ना। जैसे वो जो हम लोगों जो अमेरिका अभी जो अमेजोन पे मूवी आई थी कि मैं एक कास्ट विशेष का आदमी हूँ और मैं सुपर हूँ, वो 5 मिनट का जो क्लिप है वो ज्यादा काम करता है पूरी फिल्म की अपेक्षा। जी जी जी, तो देखिए किताब में वो 2.5 मिनट क्या है आपकी नजर में? देखिए इजाबेल विल्कर्सन जो है वो जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में रही हैं और 2010 में उन्होंने किताब लिखी थी द वॉर्म्स ऑफ अदर सन्स, इसमें माइग्रेशन के बारे में बात करती हैं। इसके 10 साल बाद इनकी किताब आती है कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिस्कंटेंट्स। अब ये किताब जो है ये मुख्य रूप से ये बता रही है कि जो अमेरिका में नस्ल की समस्या है, गोरे कालों के बीच का जो भेद है और इसकी वजह से जो उत्पीड़न है, जो वेदना है, जो तकलीफ है, जो सुपरमेसी है, अलग अलग तरीके से देखें तो किसी की सुपरमेसी है, किसी की पीड़ा है। ये श्वेत हैं या अश्वेत हैं? ये अश्वेत लेखिका हैं, इसीलिए इनको नजर आ रहा है। अगर ये श्वेत होती तो शायद इस तरह से नहीं देख पाती जो भारत में फुले या अम्बेडकर देख पा रहे हैं, ये घुरिए एमएन श्रीनिवास और से लेकर आपको अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अमित शाह नहीं देख पा रहे हैं। ये दो अलग अलग जगह से एक ही समस्या को, एक ही पेन को आप दो जगह से देखेंगे तो इसके दो छोर दिखेंगे। तो उसी तरह से इजाबेल विल्कर्सन असल में ये आर्ग्यू कर रही हैं कि कास्ट जो इंडियन अमेरिकन रेशियल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझने की दृष्टि उनको अमेरिका में नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने सारी दुनिया में देखना शुरू किया कि भेदभाव के क्या क्या सिस्टम्स हैं। उनको भेदभाव के दो बड़े सिस्टम्स दिखे दुनिया में। पहला सिस्टम उनको नाजी जर्मनी में दिखा, जहां पर यहूदी, जिप्सी, रोमा, इस तरह के जो लोग हैं उनको कमतर इंसान माना गया, बल्कि उनको इंसान नहीं माना गया और उनको बहुत दबाकर रखा गया, बल्कि उनको मार के खत्म करने की कोशिश हुई। एक सिस्टम उनको नाजी जर्मनी का दिखा और दूसरा सिस्टम उनको दिखा कास्ट का, जो इंडिया का सिस्टम है। और वो आर्ग्यू कर रही हैं कि अमेरिका के रेशियल प्रॉब्लम को समझने की दृष्टि मुझे भारत से मिलती है, क्योंकि भारत में जो कास्ट का सिस्टम है यही भेदभाव का भारत दुनिया का मूल सिद्धांत है। इंडियन कास्ट सिस्टम ही वो ओरिजिनल आइडियोलॉजी के स्तर पर वही चीज है जिसने की सारी दुनिया में जो भेदभाव की आइडियोलॉजीज है उनका माई बाप यहीं पर है, भारत में। तो भारत को वो इसलिए भारत को अध्ययन करती है, भारत के लोगों से मिलती हैं, वो भारत आती हैं, भारत आकर अध्ययन करती हैं, अमेरिका में इंडियंस से मिलती हैं, वो इंडियन जो दलित और ओबीसीज हैं उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ती हैं, वो सूरज यंगदेव को पढ़ती हैं, याशिका दत्त को पढ़ती हैं, वो आपको मोहनदास ने मिश्राय को पढ़ती हैं, वो चंद्रभान प्रसाद को पढ़ती हैं। तो इससे उनको वो दृष्टि मिलती है जिसके आधार को कहती हैं कि अमेरिका का जो कास्ट सिस्टम, जो रेशियल सिस्टम है, वो दरअसल कास्ट सिस्टम है। और इसके वो 8 प्राइमरी फीचर्स बताती हैं। एक तो बताती हैं कि वो दैवी है, माने ईश्वर से आया है ये कास्ट लोग मानते हैं, इसलिए कास्ट है। क्योंकि भारत में जैसे कहा गया कि ब्रह्मा के मुंह से या मनुस्मृति और वेद और गीता से आया है, तो इस वजह से लोग मानते हैं। वैसे ही जो क्रिश्चियंस हैं वो भी मानते हैं कि अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वहां से आया, तो एक उनको रिलीजियस सेंटिटी उसको मिली हुई है। दूसरा कास्ट का बुनियादी गुण है कि ये माना जाता है कि हम अपनी जैसी और अपने जैसे गुणों वाली संतान पैदा करते हैं और वो जो है वो हेरिटेबिलिटी है, वो हम उसी तरह से, वो अगर मैं श्रेष्ठ हूं तो मेरी संतान भी श्रेष्ठ होगी, तो हेरिटेबिलिटी इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण है इंडोगेमी है, कि आप कास्ट के अंदर ही शादी कर सकते हैं, कास्ट के बाहर शादी करने से भारत में अभी भी लोगों की हत्याएं होती हैं, अमेरिका में भी होती थी। अगर अमेरिका में हजारों की संख्या में ब्लैक्स इसलिए मार दिए गए क्योंकि जो उन्होंने व्हाइट से शादी की। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल, ये सब हम भोगी लोग हैं, मेरा इंटरेस्ट ये है। नहीं, एक दिलचस्प बात सिर्फ ये है कि ये जो 8 गुण बताती हैं, ये अमेरिका के रेशियल सिस्टम में और इंडिया के कास्ट सिस्टम में और नाजी जर्मनी के जो स्ट्रक्चर है
तीनों में एक साथ मिलता है, यही इंटरेस्टिंग। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है सर कि जिस तरह से ओपरा विनफ्रे इस किताब को तमाम सीईओ को भेजती है, 100 सीईओ को और कॉर्पोरेट को भेजती है, भारत में कोई ऐसा आएगा दिलीप मंडल के अलावा भी? जिस तरह से आप, मैं तो आपको भारत का सबसे बड़ा पत्रकार मानता हूँ, सबसे बड़ा सोशियोलॉजिस्ट मानता हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानता हूँ, भारत में जो लोग हैं जो इसके विक्टिम है और जिस विक्टिम से निकल के बड़े बड़े पर पदों पर पहुंचे हैं, उनमें डर है वो बात नहीं करते हैं, या उनमें समझ नहीं है इसलिए वो बात नहीं करते हैं? समझ, एक मेरा प्रश्न है कि वहां पर ओपरा विनफ्रे 100 सीईओ के भेजती है, आज की तारीख में मान लीजिए कि दुनिया में 100 सीईओ के टेबल पर यह किताब रखी होगी, क्योंकि ओपरा कि वो हैसियत है। ओपरा ने भेजा है और उसके अलावा 400 ग्लोबल लीडर्स को उन्होंने भेजी होंगी, तो उनके बुक रैक में सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन पे किताब रखी होगी। ठीक है, अब आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत में दलितों और शूद्रों के बीच का ओपरा विनफ्रे कौन है? दिलीप मंडल है। मुझे लगता है आपके आपके डिस्कोर्स की वजह से। लेट मी क्लियर सर, मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो चापलूसी समझना चाहे समझे, मैं फिर कह रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद क्लाइन, हमें अपने बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए कोई तुलसीदास नहीं है इस देश में। इस किताब को लेकर मैं कह रहा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में जाति के डिस्कोर्स को लेकर इस देश में, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे सोशल मीडिया हो, मैं गवाह हूँ 15 सालों से, अगर दिलीप मंडल ने ये बहस नहीं छेड़ी होती जिसकी कोई कीमत भी चुका रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग किसी मीडिया हाउस में नौकरी कर रहे होते और हम बात नहीं कर रहे होते। नेशनल दस्तक आज नहीं होता, आज दलित दस्तक नहीं होता, आज तमाम ऐसे चैनल्स नहीं होते। तो वो ओपरा विनफ्रे आप हैं हम लोग के लिए, चाहे वो पत्रकार के तौर पर या लेखक के तौर पर या सोशल मीडिया के हमारे बहुजन स्टार हैं आप, तो ये हिम्मत क्यों नहीं आ पाते हमारे जो नहीं, एक चीज देखिए, ओपरा विनफ्रे जो है, ओपरा विनफ्रे और दिलीप मंडल या शंभु जी या बाकी और जो लोग हैं हमारे बहुजन मीडिया में जो हैं या बाकी और भी लोग हैं, इनकी ये क्या उस स्टेचर में मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स के अंदर में उसको सेट करने में? और दूसरा एक चीज और समझिए शंभु जी, कि जो अमेरिका का श्वेत है वो एक लेवल पर उदार है। देखिए उन्होंने अगर देखिए इस समय वहां पर लगभग 70% का आसपास वाइट आबादी है, अगर 70% व्हाइट आबादी ओबामा को वोट नहीं देती तो ओबामा राष्ट्रपति नहीं बनते। या आप समझिए कि आप CNN या फॉक्स न्यूज देखिए, हर तीसरा एंकर चौथा एंकर वहां ब्लैक है। तो ये उन्होंने उन्होंने हासिल किया है। और आज की तारीख में भी मैं हॉलीवुड डाइवर्सिटी रिपोर्ट देख रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में बॉलीवुड डाइवर्सिटी रिपोर्ट आएगी और वहां के हॉलीवुड ऑस्कर जीतते समय भी वो रेसिज्म को लेकर चर्चा नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं ऐसा ही नहीं, ये मार्लिन मुनरो जैसे टॉप स्टार ने ऑस्कर का जब वो समारोह हुआ तो फर्स्ट रो में बैठने से इसलिए मना कर दिया कि वहां सिर्फ व्हाइट बैठे थे। मतलब इस लेवल का वहां पर चेतना का स्तर है। और वो इस समय जैसे इजाबेल विल्किंसन की किताब बेस्ट सेलर है, भारत में किस दलित की लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर बनने वाली है? तो आप समझिए कि भारत का जो, इसीलिए देखिए इजाबेल विल्किंसन क्यों कह रही है कि भारत स्रोत है, भारत गंगोत्री है, जहां से ये गंगा निकली है भेदभाव की, भेदभाव का जो उत्स है भारत, जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी की वजह से इस दुनिया में भेदभाव है, वो भारत की देन है इस दुनिया को। बड़ी बात है, इस किताब में सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को इंडिया बताया गया है। हाँ, उसका आइडियोलॉजिकल सोर्स, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिविजन इज कास्ट सिस्टम, वो बता रही है ये वर्ड समके कि ये, अच्छा, ये अच्छा, भारत के JNU में JNU वाले DU वाले, चलिए ये माने ना माने, क्या ऑक्सफोर्ड और जो तमाम जो NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, जो दुनिया भर में करीब करोड़ों हैं, अब वो सवर्ण समाज से, वो कम से कम मानेंगे, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे वो इंदिरा नुई हो, या फिर वो सत्या नडेला हो, ये लोग जो वहां रहते ये मानेंगे एटलीस्ट? नहीं देखिए, जो भारत से जो डायस्पोरा पहुंचा है दुनिया के बाकी देशों में, उसकी दो प्रक्रियाएं, दो तरीके से पहुंचा है। एक तो जो यहाँ से जबरदस्ती लोग ले जाए गए सूरीनाम और आपको वेस्ट इंडीज और तमाम जगहों पे मॉरिशस, वो आमतौर पर लोअर कास्ट के लोग गए और वो आज की तारीख में वहां पर देश चला रहे हैं और वहां का समाज चला रहे हैं। तो और इसके बाद अमेरिका और यूरोप में जो जाना हुआ, ये मुख्य रूप से अपर कास्ट गया। बल्कि जो भारत, ये पहला एक आदमी जो शुरुआती लोगों में गए, एक मजुमदार साहब, उनका नाम, पूरा नाम मैं चेक करके बताऊंगा, उन्होंने अमेरिका में क्लेम किया जाकर कि मैं तो यूरोपियन नस्ल का हूं और मुझे अमेरिकी नागरिकता दे दी जाए। उनको नागरिकता मिल गई,
उसके बाद एक पंजाब के एक थिंड साहब गए, उन्होंने कहा कि मजुमदार जी को अगर यूरोपियन नस्ल का माना गया तो मुझे भी अमेरिकन नस्ल का माना जाए। तब वहां पर विवाद हुआ और उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो गलती से मजुमदार साहब धोखा दे के घुस गए अमेरिका में बोल के, उनकी नागरिकता रद्द हुई है। तो ये खुद को यूरोपियन और श्वेत बताकर वहां पर जमने की उन्होंने कोशिश की और बहुत बड़े पैमाने पर गए। तभी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा अपर कास्ट गया है, और ये अपने भारत के सारे दुर्गुणों को लेकर गए हैं। ये कास्ट प्रैक्टिस करते हैं, जाति के आधार पर भारत आकर अपने अपनी जाति में शादी करते लेकिन हैं। मैंने जो जो तीन चार सीईओ के नाम गिनाए, नहीं ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये अभी भी अपने लिबरल, ये शब्दों से तो लिबरल दिखेंगे लेकिन इसको भारत में अगर गूगल में नौकरी देने की बात हो, पेप्सिको में नौकरी देने की बात हो, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी देने की बात हो, तो वो अफर्मेटिव एक्शन नहीं भारत में कम से कम लागू। नहीं अभी इतना 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 भी नहीं है शंभू जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोलता हूँ। इन सारे लोगों ने अपनी कास्ट आइडेंटिटी को छोड़ा भी नहीं है, ये अभी भी पकड़े हुए हैं उन आइडेंटिटी को। इंदिरा नूई अभी भी क्लेम करती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये जो अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े कैमला हैरिस, इनकी माँ जो है वो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और श्रेष्ठ हूँ। तो ये अमेरिका चले गए हैं इसलिए कास्ट जाति मुक्त नहीं हुए हैं। ये मतलब जाति जैसे, नहीं जाएगी। जैसे भारत जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा था ना कि ये हिंदू अगर दुनिया के किसी भी देश में गया तो भारत की बीमारी को वहां ले जाएगा, तो ये दरअसल अपनी यहाँ की बीमारी को वहां ले गए हैं। तो यहाँ वहां जाकर भी वो वही सब प्रैक्टिस करते हैं और वो ब्लैक से नफरत भी करते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में अलग अलग नस्लों के बीच शादियां होती हैं, कई तरह के सेट बनते हैं, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट हिस्पैनिक, हिस्पैनिक इंडियन, इंडियन अमेरिकन, रेड रेड। स्कूलों में मैंडेटरी है कि आप स्कूलों में एक मिनट तो ये जो इंटरनेशनल अलग अलग तरह के सेट्स बनते हैं जिनके बीच शादियां होती है वहां पर, लगभग 12-13% शादियां अलग अलग नस्लों के बीच होती है। इसमें जो शादियां सबसे कम होती है वो क्या जानते हैं? वो शादी है जो श्वेत ये इंडियन इंडियंस और ब्लैक्स के बीच सबसे कम शादियां होती है। इंडियंस जो है वहां भी गोरा ढूंढता है। तो ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये जो ग्रंथियां बैठी हुई हैं, ये कोड्स असल में समस्या है। ये इसके लिए किसी को स्वर्णों को बुरा भी नहीं बनना पड़ता है। वो दरअसल जब जाति प्रैक्टिस करते हैं, जब कंगना रनौत रिजर्वेशन का विरोध करती हैं, तो वो ऐसा उनको उनके हिसाब से यही सच है, क्योंकि इसके अलावा कोई सच उनके पास पहुंचा ही नहीं है, उनके परिवार से, दोस्तों से, आसपास के लोगों से। एकमात्र ट्रेनिंग उनकी यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन का प्रोविजन है ये गलत है, इसकी वजह से हमारे परिवार में बचे। एक सोल्यूशन की तरफ क्या लगता है, भारत के जो पूरी दुनिया में चाहे नेल्सन मंडेला हो, अफ्रीका में आज एक भी श्वेत शासक नहीं है कहीं, पूरे अफ्रीका में देखिए पिछले 15-20 सालों में बदलाव आया है नेल्सन मंडेला के बाद। यूरोप में हम डाइवर्सिटी देख ही रहे, वहां जर्मनी में आप नाजी का नाम नहीं ले सकते, आपको जेल हो जाएगी। अमेरिका में अभी जो अश्वेतों का आंदोलन हुआ उसमें श्वेतों की भागीदारी देखी, भारत में तो जेल में भर दिए जाएंगे। भारत में जो विक्टिम समाज है, जो कि वोट के लिहाज से बहुत ज्यादा है, संख्या के लिहाज से बहुत ज्यादा है, जो कास्टिज्म का शिकार है, अमेरिका में वो कम है, अश्वेत समाज कम है, जो शोषक है वो ज्यादा है। तो भारत में क्या करना होगा, कैसे सोल्यूशन क्या है, कि कोई सोल्यूशन दिख रहा है आपको ताकि जाति चली जाए? देखिए इजाबेल विल्कर्सन जब ये किताब लिख रही है तो वो कह रही हैं कि मैं सॉल्यूशन ढूंढने की नहीं चली हूँ, मैं सबसे पहले इस समस्या को समझना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से इस समस्या को समझने की शुरुआत अभी हुई है। ये पूरा जो मामला है ये इसमें पूरा जो विमर्श है इसके अभी कोऑर्डिनेट सेट हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से चूंकि इस समस्या की नब्ज पर उंगली अब रखी जा रही है तो इस समस्या का समाधान निकलेगा। पहले तो इस बीमारी को समझा जाए, और इस बीमारी को अभी तक हो क्या रहा था, देखिए कास्ट प्रॉब्लम बोलते ही दिमाग में क्या आता है, एक दलित का चेहरा आता है, लेकिन कास्ट प्रॉब्लम देखते ही एक पुजारी का चेहरा आना चाहिए कि कास्ट प्रॉब्लम भाई वो जो गटर में काम घुस के काम कर रहा है वो नहीं है समस्या, वो तो पीड़ित है। समस्या तो वो है जिन्होंने जाति को बनाया है, जिन्होंने चलाया है, जो जाति के माथे पर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर से उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लोगों को पदों पर नहीं जाने दे रहे हैं, फैसले अदालतों में बैठ के फैसले लिख रहे हैं, कंपनियों के एचआर में बैठकर रिक्रूटमेंट में बायोडाटा में सरनेम पढ़कर रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कास्ट अगर समस्या है तो ये अपर कास्ट की समस्या है, उनकी बनाई हुई समस्या है। भारत में अगर दिलीप मंडल जाति को लेकर बहस करें तो आपको ही जातिवादी कहा जाता है, कास्टिस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसाबेल को भी अमेरिका में नस्लवादी कहा जाएगा जबकि वो नस्लवाद के खिलाफ लड़ रही है? नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका इस मामले में काफी उदार है, और आप देखिए कि इस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी किताब को इंस्टेंट अमेरिकन क्लासिक बताया, वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि वो
कास्ट को समझ रेस को समझने की एक नई लैंग्वेज विकसित कर रही है। द न्यूयॉर्कर में उसकी इतनी बड़ी रिव्यू छपती है, द गार्डियन में ब्रिटेन में इस पर बड़ा रिव्यू छपता है और कहा जाता है कि बहुत तकलीफदेह सच को सामने लाती है लेकिन बहुत जरूरी सच को सामने लाती भारत है। तो इस तरह कभी, भारत में तो कभी मणिकर्णिका और मुर्दैया जो तुलसीराम की किताबें हैं या इस पर बात ही नहीं होगी, किताबें इस पर कभी बात नहीं हुई होगी। नहीं, इस पर आप कल्पना कीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, ये बात करें, ये संभव ही नहीं है। ये असल में वही है कि जिनका कंट्रोल है डिस्कोर्स पर, बहस पर, चर्चा पर, जिनका नियंत्रण है। और इसमें बाबा साहब कहते भी हैं कि भारत में इंटेलेक्चुअल जो है वो ब्राह्मणों को माना जाता है, सारे लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं। इरफान तो खान नहीं रहे, उन्होंने जो कविता पढ़ी थी खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या लगता है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग हैं, जो बड़े पदों पर हैं, वो अगर डिस्कोर्स शुरू करना चाहे तो वो हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये डिस्कोर्स शुरू करने की अभी भी, जो भारत में जाति को खत्म करना, जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूँ, सुन मुझे बहुत गौर से सुनिएगा, कि बाबा साहब ने जाति उन्मूलन की बात एक डिटेल में सिर्फ एक जगह कही थी, और वो किसकी सभा थी? जाति पाति तोड़क मंडल की लाहौर की सभा थी। एनालिसन ऑफ कास्ट का जो स्पीच है वो जाति पाति तोड़क मंडल की सभा के लिए तैयार किया था, और उनकी किन की सभा थी? सवर्णों की सभा थी। तो सवर्ण जाति पाति जाति तोड़ने का जो दायित्व है वो भारत में सवर्णों का है। पीड़ा किसी की है लेकिन जिसने बनाया है वही तोड़ेगा, क्योंकि वही जानता है कि उसको तोड़ना कैसे है, जो उसने कहां पर बीम लगाया है, कहां लोहा लगाया है। और बाबा साहब पूरी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट, वो ये रहा है कि जो सो कॉल्ड सवर्ण लिबरल हैं वो पीड़ित के पक्ष में भाषण देते हैं, वो अपने समाज को जाके नहीं समझा रहे हैं। ना, जबकि बाबा साहब कह रहे हैं कि अपर कास्ट को समझाओ, बल्कि बाबा साहब की पूरी किताब का उसका सेंटर थीम ये है कि अब इस कास्ट सिस्टम से अपर कास्ट को भी दिक्कत होगी, इसलिए कृपया आप इसको डिमोलिश कीजिए, नहीं तो ये आपको ये बाकी लोगों को भी बीमार बना देगा। सवाल सर, सोशल मीडिया का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है, जो कि भारत में जो सवर्ण बैठे हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वो सब भारत के में जो लोग हैं वो उसी तरह से जातिवाद कर रहे हैं सोशल मीडिया? ये वाली जो चर्चा है, संभावना बन रही है क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन टूल तो आया है एटलीस्ट अमेरिका के वजह से? नहीं तो इसमें ये मेरे ख्याल से संभव जी, इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे क्योंकि आधे घंटे से कम का ही विषय है। लास्ट और इस पर आप दिख रहा है, दिलीप मंडल ने इस किताब को अकेले, ओपरा विनफ्रे ने भले 100 लोग यहाँ भेजा होगा, लेकिन दिलीप मंडल ने कम से कम 10 करोड़ लोग के जुबान पर तो इस किताब को ला ही दिया और लोग इस पर डिस्कोर्स कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जिस पर कास्ट को लेकर हम लोग ज्यादा डिस्कोर्स तैयार कर रहे हो। संक्षेप में दो लाइन में मैं बता रहा हूँ, इस सोशल मीडिया को लेकर 2010, 11, 12 में मैं जितना होपफुल था, आज की तारीख में मैं उतना होपफुल नहीं हूं, लेकिन अभी भी मुझे इसमें उम्मीद और संभावनाएं दिखती हैं। तो ये दिलीप मंडल साहब थे, ओफ्रा विनफ्रे अमेरिका में है, आपके पास दिलीप मंडल है, आप कम से कम इस देश में जाति को लेकर डिस्कोर्स खड़ा करने का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा सोशल मीडिया के जरिए, और इसलिए उनको बहुत सारी झंझावटें भी झेलनी पड़ेगी, वो झेलना पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं इसाबेल की जो किताब है, आपको संभव है आपके लिए तो आप इसको जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। और हिंदी में भी ऐसी बहुत सारी बहुजनों की किताबें, हमने जो जाति समझी है वो मुर्दैया हो या मणिकर्णिका हो या ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन हो, इसको पढ़िए जरूर। और मीडिया के बारे में आपको जानना है तो मंडल साहब की जो किताब है दलाल स्ट्रीट कॉर्पोरेट मीडिया, उस पर भी जरूर पढ़िए। किताबें बहुत जरूरी है, बाबा साहब ने किताबों के जरिए ही आपको अधिकार दिए हैं, और जब तक आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप समस्या का सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। शुक्रिया सर हमें समय देने का, बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक का, और शंभू जी बहुत बहुत आभार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।